राजधानी जयपुर का सदर इलाका, आखिर यहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, कैसी है पुलिस की स्थिति और इंतजाम, चलिए आज की इस सीरीज में देखते हैं। राजधानी के सदर थाना इलाके में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों का जमावड़ा होता है, जिसका कारण है प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इस इलाके में होना। जयपुर जंक्शन सहित इस थाने पर पर्यटकों की भी काफी जिम्मेदारी होती है, साथ ही इस इलाके में हसनपुरा जैसा संवेदनशील इलाका भी मौजूद है, जहां पुलिस के लिए शांति बनाए रखना हर दम चुनौती का काम रहता है। गश्त को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहुंचा हूं रेलवे स्टेशन के बाहर। सदर इलाके की अगर बात करते हैं तो सदर थाने की मुख्य चुनौती रेलवे स्टेशन को भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारी संख्या में यहां से लोग बाहर निकलते हैं। रेलवे स्टेशन से जो बाहर के लोग आते हैं, कहा जा सकता है कि उनकी जांच करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही जो अपराधी आते हैं उनको कोर्ट तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी सदर पुलिस के ऊपर रहती है। इसके अलावा बात करें सदर थाना पुलिस की, तो हसनपुरा एक सेंसिटिव इलाका है, जो भी सदर इलाके में आता है और हमेशा कहीं ना कहीं पुलिस को वहां पर गश्त की आवश्यकता रहती है। सदर पुलिस को यहां पर जो होटलें हैं वहां की निगरानी रखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन होने की वजह से जो बाहर के लोग यहां पहुंचते हैं वो आसपास में होटल किराए पर लेना चाहते हैं, और लगभग 125 से 150 होटल्स इस इलाके में मौजूद है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि सदर पुलिस के ऊपर कई तरह की एक साथ जिम्मेदारियां हैं। हालांकि नफरी की बात करते हैं तो नफरी भी ज्यादा नहीं कहा जा सकती, अन्य थानों के मुकाबले ठीक नफरी है, लेकिन फिर भी जिस तरह की यहां पर चुनौतियां हैं उसके मुकाबले यहां नफरी की कमी है। पुलिस को जरूरत है कि गश्त यहां पर लगातार बढ़ाए, जिससे कि सेंसिटिव इलाकों में किसी भी तरह की अपराध की जो घटना है उनको होने से रोका जा सके। पिछले सदर थाना इलाके में IPC के तहत 214 मामले दर्ज हुए थे, वहीं इस साल मात्र 185 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2016 में इलाके में एक हत्या हुई थी, वहीं इस साल में इलाके में 2 हत्याएं हुई हैं। इलाके में हत्या के प्रयास के मामलों में 100% की बढ़ोतरी हुई है। लूट का पिछले साल के बराबर एक मामला सामने आया है। अपहरण की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जहां 7 मामले अपहरण के दर्ज हुए थे, वहीं इस साल 15 मामले सामने आए हैं। पिछले साल जहां 5 दुष्कर्म के मामले सामने आए, वहीं इस साल में 4 दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं। इस साल इलाके में नकबजनी के 62, चोरी के 22 व वाहन चोरी के 40 मामले सामने आए हैं। इस साल आबकारी अधिनियम में 17, जुआ अधिनियम में 35 और विशेष अधिनियम में 31 कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। आमतौर पर पुलिस के खिलाफ आमजन में भारी शिकायतें होती हैं, वहीं इस इलाके में लोगों का पक्ष पुलिस के लिए सकारात्मक है। पुलिस की वजह से तो यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं, और जो अपने यहाँ का जो थाना है उसका स्टाफ भी प्रॉपर दिन रात काम तरीके से कर रहा है, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं, और आमजन को, दुकानदारों को भी कोई परेशानी नहीं है उनकी तरफ से। सदर पुलिस का कहना है कि थाने में नफरी की कमी तो है, लेकिन अन्य थानों के मुकाबले हालात ठीक हैं। वहीं आवास की समस्या इस थाने के लिए एक बड़ी समस्या है। थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन यहाँ आवास की समस्या भी है। सदर इलाके में मजबूत सुरक्षा प्रणाली तैयार करने वाला ये थाना आवास की समस्या से खुद त्रस्त है। विभाग को भी जरूरत है कि थाने के स्टाफ को नजदीक में आवास उपलब्ध करवाएं, साथ ही थाने को भी जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभाएं, जिससे कि संदिग्ध लोगों को शहर में आने से रोका जा सके। शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।